हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज है मनसा पूजा, तो मनसा पूजा की मैं तैयारी करने जा रही हूँ और मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा। और चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो में। तो मैं मेन प्रसादी के लिए तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले चावल को फटक लूँगी, जो गंदगी है, क्योंकि ये घर का चावल है, मेरे घर का ही होता है। तो उसको अच्छे से साफ कर लूँगी और उसको थोड़ा धान भी रहता है एक दो, तो उसको भी मैं बीन के निकाल लूँगी। और इधर चावल को मैं पानी में डाल दे रही हूँ, ये फूलेगा तब तक मैं नहा लूँगी। और नहाने के बाद और एक बार मैं इसको धो के अच्छी तरह से छान लूँगी। और मेरा नहाना हो गया और मैं इधर गैस में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इधर घी लाई थी मैं खरीद के। घर का घी तो नहीं है तो खरीद के ही लाना पड़ता है, तो वही तो मैं डालूँगी, क्योंकि प्रसादी तो घी से ही बनाया जाता है। तो कढ़ाई गरम हो गया है, मैं इधर 4 चम्मच घी इसमें डाल दूँगी। इतना ही डाल दूँगी, इससे मेरा हो जाएगा। इधर दूध और चावल का मैं बैटर बना ली थी मिक्सर में, तो उसमें मैं गुड़ नहीं मिलाई थी, तो मैं बाद में अभी गुड़ मिला दे रही हूँ और इसको अच्छे से हाथ में क्रश करके मिला दूँगी, ताकि गुड़ का गुठली ना रह जाएगा, क्योंकि खाने के टाइम खाली गुड़ का गुठली मिलने लगता है। तो उसको मैं अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। हाथ से ही मैं करती हूँ, चम्मच नहीं इसमें इस्तेमाल करती हूँ। और इधर मेरा घी गर्म हो गया है, तो इसे कलछुल से मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी। और घी में मेरा पूरा गर्म हो गया था, तो उसको मैं थोड़ा आँच कम कर दे रही हूँ, नहीं तो फिर मेरा पुआ जल जाएगा। देखिए कितना सुंदर फूल के उठा है। इसे दूध से ही इधर मैं एक एक करके बना ले रही हूँ शादी। ये हम लोग का मेन प्रसादी होता है हर त्यौहार, मनसा पूजा हो या काली पूजा हो, लेकिन चावल का पीठा हम लोग चढ़ाते ही हैं, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं, तो मेन हम लोग का प्रसादी चावल का पीठा ही होता है। उसके बाद आप लोग ऑप्शन में हम लोग ले सकते हैं ये केला, बतासा और कोई आइटम, लेकिन ये होना ज़रूरी है, तभी हम लोग का पूजा सफल मानते हैं। तो मेरा लगभग हो गया, और देखिए मैं थाली भी तैयार कर ली हूँ। तो मैं जा रही हूँ अब नीचे का घर, वहाँ पर पूजा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पुराना घर है या मैं नया घर बना के रहती हूँ। तो फिर चलिए मेरे साथ, ये मैं जा रही हूँ कि
अंधेरा भी हो गया है। प्रसादी और मैं पूजा करके आ गई हूँ और बाबू को प्रसादी देके और मैं आ गई हूँ पूजा करके। अब मैं थोड़ा शरबत वरबत पी लूँगी, उसके बाद बात करते हैं। और अभी खाने का वो जो व्रत रखे हूँ उसका तैयारी करूँगी। इधर मैं दूध गर्म होने दे दी थी और मैं आटा को गूँथ लूँगी हल्का हल्का पानी डाल के। इसका मैं पूरी तल लूँगी क्योंकि आज त्यौहार का दिन है, तो आज मैं पूरी और हलवा बनाऊँगी। अच्छी तरह से गूँथ के और ढक दूंगी, थोड़ा देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी मैं। और मैं जा रही हूँ बाकी का सामान लाने, क्योंकि मैं वो किचन में नहीं रखी थी, अभी अभी दुकान से लाए हैं तो उधर ही था मेरा सामान, तो मैं इसे फिर ले आई हूँ किचन में। सूजी और किशमिश बादाम सब है। देखिए एक में काजू है, एक में किशमिश है और सूजी है। इसका मैं हलवा बनाऊंगी। कटोरी में मैं निकाल ले रही हूँ किशमिश और काजू। काजू को थोड़ा काट लेना पड़ेगा। इधर कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ गैस में और गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ। ऐसा एक चम्मच घी डाल दूँगी। और मेरा घी गर्म हो गया है तो इस पर मैं सूजी डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मैं भून ले लूँगी। सूजी को अच्छा से नहीं भूनिएगा तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको पूरा ब्राउन होने तक भून लेंगे। पूजा के बाद और कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अपना खाना ही तैयार करना पड़ता है। और बाद में सुबह सुबह 6 बजे बलि होता है बकरा का, तो मैं वो कैप्चर नहीं किए हूँ, अच्छा भी नहीं लगता वो सब कैप्चर करना। और इधर मेरा सूजी भून गया है, ब्राउन हो गया है, इस पर मैं दूध डाल दूँगी और चीनी और जो मैं काट के रखी थी काजू किशमिश वो सब मैं मिला दूँगी। अच्छे से चलाते रहना है जब तक चीनी मिल न जाए। और इधर मेरा हो गया है लगभग, और आटा थोड़ा गीला हो गया था तो उसको मैं सूखा आटा देके टाइट कर ले रही हूँ। और अच्छे से मैं इसको दबा दबा के गूंद लूँगी और एक एक करके लैया तोड़ लेती हूँ। मेरी भाषा पे मत जाइएगा क्योंकि मैं उतना हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ।
मैं घर में खोठा बोलती हूँ, तो इसलिए मेरा भाषा थोड़ा आप लोग को अजीब लगेगा, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। इधर मैं कपड़ा डाल दे रही हूँ क्योंकि ये चकली जो है खिसकते रहता है, तो मैं पुराना जो बाबू लोग का कपड़ा था उसको मैं धो के अच्छे से और मैं इसके नीचे में डाल के बेल लेती हूँ, क्योंकि नहीं डालिएगा तो ये पूरा छलकने लगता है चकला। बाबू लोग का छोटा छोटा जो कपड़ा है मैं इसी तरह यूज कर लेती हूँ। ज़्यादा पूड़ियाँ मैं नहीं तलूँगी, मतलब जितना हो जाए उतना ही करूँगी, क्योंकि आज इसे भी व्रत है तो व्रत में उतना ज़्यादा तलने का मन नहीं करता है, तो इतना भी मेरा हो ही जाएगा सबका। तो मेरा इधर पूड़ी हो गया, देखिए मेरा एक पूड़ी गिरी है, तो मैं इसको उठा कर बगल में रख दूँगी, और मेरे हस्बैंड और बच्चे लोग के लिए मैं निकाल ले रही हूँ, उन लोग को मैं दे के फिर मैं भी खाल में बैठ जाऊंगी। और मैं भी इधर देखिए प्लेट में मैं ले ली हूँ, तो मैं पूड़ी और हलवा लेके बैठी हूँ। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो, बताइएगा कैसा लगा मेरी वीडियो।